हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कोजी पर। और आज की वीडियो में मैं अभी बताने वाला हूं आपको 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिकली किसके, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। यानी कि कौन कौन से ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करके जाने हैं, जिनके आने के चांसेस ज्यादा है। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। अपने डाउट्स वगैरह के लिए, कोई भी प्रॉब्लम के लिए, आगे फ्यूचर में आप जो भी स्टडी करो वहां कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर से आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके प्लीज फॉलो करके सपोर्ट कर सकते। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपसे एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि जो आपका सीबीएसई का इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ था, प्लीज एक बार उसे अच्छे से देखे जाइए। उसको एक बार आपको अच्छे से देखे जाना है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस, एक तो क्वेश्चन गारंटेड उसमें से आता ही आता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के बारे में, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और हायर वर्कर्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हायर वर्कर्स में भी दो टाइप के, कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स। फिर आपका लेबर फोर्स, वर्कफोर्स, पार्टिसिपेशन रेट, जो आपका चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें आपको पहले वाला जो चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट, उसमें डाटा दे रखा है जिसमें कितना परसेंट जो वर्कफोर्स है वो मैन का था, कितना वुमेन का था, कितना रूरल का था, कितना अर्बन का था, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद जॉबलेस ग्रोथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन, ये चीज आपकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है। उसके बाद डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, disguised unemployment or seasonal unemployment, disguised unemployment or seasonal unemployment, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको आपको करके जाना ही जाना। फिर differentiate between economic infrastructure and social infrastructure, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन जो हेल्थ की फैसिलिटी है हमारे इंडिया में, वो तीन टायर में दे रखी है, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर एंड थर्ड टायर, ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा कि इसमें फर्स्ट में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है और थर्ड में क्या आता है। देन उसके बाद आपका कॉमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, इसी में कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और प्राइमरी और फाइनल, ये आपके लिए जरूरी है। इमर्जिंग चैलेंजेस इन पावर जनरेशन, ये आपके लिए जरूरी है। जो हेल्थ था इंडिया का, वो कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या चीजें डेवलप हुई, उसके बारे में आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी ISM में आपको आयुष के बारे में दे रखा है, वो आपको आना बहुत जरूरी है। आयुष हमारा क्या था, आयुष के से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच और एस से नेरोपैथी और होम्योपैथी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, आपको करके ही करके जाना है यहाँ से। देन
फिर उसके बाद आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंटल क्राइसिस में ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लीशन है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। प्रिंसिपल कंसर्न किसके, एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, है ना। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई गई। देन उसके बाद जो चैप्टर है लास्ट कंपैरिजन वाला, इंडिया पाकिस्तान चाइना, इंडिया कब आजाद हुआ, चाइना कब आजाद हुआ, पाकिस्तान कब आजाद हुआ, इंडिया में कब पॉलिसी कौन सी आई, ये सब आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये वीडियो प्लीज जरूर ये क्वेश्चन करके जाइएगा, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर्स हैं उसकी भी एक वन शॉट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव।